हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी रिप्रेजेंटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कैसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे जो हमें आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या क्या है। हम रूट टू आपको बताएंगे कैसे अंडरलाइन नंबर लाइन पर बनाएंगे, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट एट, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन। इतना क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कैसे हम इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक स्केल ले लेंगे और स्केल से एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक लाइन बना लिया। ये कितना हो सेंटीमीटर का हो, ये हमारा एक्स हो जाएगा इधर एक्स डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हम ये हमारा सेंटर ओ है, ये हमारा सेंटर क्या है ओ है। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट टू। तो देखिए, अब हम स्केल से वन यूनिट इस पर लेंगे, वन सेंटीमीटर। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ है हमारा वन सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहाँ से इस पर हम बना लेंगे 90 डिग्री। ये हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा वन सेंटीमीटर आ रहा है ना, ये पॉइंट हम ए लगा लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे इसको सीधा है बिल्कुल, देखिए यहाँ आ रहा है हमारा 90 का पॉइंट। ठीक, यानी ये हमारा लाइन बन जाएगा 90 का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए अब ये हमारा लाइन हो गया 90 का। हम यहाँ वन सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे। आप ऐसा करते हैं, हम वन सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेते हैं। ये 8 है, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और 1 सेंटीमीटर का ही खींचेंगे 7 से 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए, अब आपने जब पाइथागोरस पढ़ा होगा तो होता क्या है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये भी हमारा 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, यानी बेस भी 1 था और ये भी, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी एच इक्वल टू कितना आएगा रूट 2। यानी ओ से जो बी का डिस्टेंस है वो कितना है, रूट 2 का डिस्टेंस है कि नहीं है, हमें रूट 2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, देखिए अब स्टूडेंट्स हम कंपास ले लेंगे और ओ पे रखेंगे और बी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यही डिस्टेंस हमारा जो है वो अंडर रूट टू का डिस्टेंस है। देखिए हो गया, ये हो गया ना, तो हिलना नहीं चाहिए। इसको हम आगे यहाँ से मिला देते हैं, इसको हम यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक, और अच्छे से मिला देते हैं। स्टूडेंट्स हिलना नहीं चाहिए, ये चीज़ ध्यान रहे, ये हमारा मिल गया। अब देखिए, ये जो पॉइंट हमारा है ये यहाँ पे मिला, ये पॉइंट हम मान लेंगे पी, और यही पॉइंट हमारा क्या होगा, अंडर रूट टू होगा। आया स्टूडेंट समझ में आपको, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, अंडर रूट टू होगा। अब देखिए एक बार फिर से समझिए, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ओ से ए 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री के बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे और ओ से बी को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसका ओ बी रेडियस लेकर के एक सेमी आर्क बना लेंगे और जहाँ इस लाइन को एक्स एक्स डैश को कट करेगा जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सर्किल बनता ना पूरा, यानी ये देखिए रेडियस है, यानी ये ऐसे पूरा बनता तो यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट 2। अब इसी तरह अगर आपको अंडर रूट 3 बनाना है तो आप क्या करिए, देखिए ये 2 है, अब इस पर हम 90 डिग्री बनाते हैं, इस पर 90 डिग्री बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सीधा एकदम पॉइंट पर रहना चाहिए, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ हमारा पॉइंट आएगा 90 का। ठीक, अब हम 1 सेंटीमीटर इस पे बनाते हैं, देखिए इसको हम मिला लेते हैं पहले, मिल रहा है ना, ये पॉइंट है हमारा, देखिए इससे तो यहाँ पे 7 से 6 हम 1 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेते हैं। ठीक, देखिए वैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है रूट 2 की वैल्यू। आप यहाँ से डिस्टेंस जब नापेंगे देखिए नियर अबाउट 1.4 है ना, ये 1.4, तो देखिए 1.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आप खुद से देख लीजिए, ये हमारा 5 है और ये हमारा 4 है,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा वन यहाँ हो गया, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा 90 हो गया, ये हाइपोटेनस है, अब यहाँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि इसको सी मान लेते हैं। तो ओ सी का स्क्वायर क्या होगा? ओ बी का स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर प्लस बी सी यानी वन का स्क्वायर, यानी टू प्लस वन यानी कितना आएगा? थ्री। ओ सी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? थ्री। तो ओ सी इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट थ्री आएगा ना, यानी ओ सी कितना है? रूट थ्री का डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, ओ से सी पे आ जाएंगे, ओ से सी पे आएंगे। अब यहाँ से देखिए मिल रहा है ना, अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ये देखिए यहाँ पे आके इस लाइन को कट कर रहा है, यानी यह पॉइंट हमारा हो जाएगा, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? क्यू। यही पॉइंट हमारा क्या होगा? अंडर रूट थ्री हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप इस, अगर आपको निकालने आता होगा वैल्यू, तो अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.6732, यानी कि ओ से क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? देखिए 1.7 होना चाहिए, यही है ना हमारा पॉइंट, देखिए 5, 6, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हमको अंडर रूट फाइव का बनाना है तो हम इसके आगे से भी बना सकते हैं, जैसे 3 + 1 4 आ गया तब 5 आएगा, तो हम इस पर नहीं बनाएंगे, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो हम क्या करते हैं, अगर देखिए अगर रूट टू रूट थ्री का बनाना तो आप ऐसे बना लीजिए, रूट फाइव का भी इस पर आगे बढ़ाते जाएंगे तो बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक न्यू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लाइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स डैश, ये हम मान लेते हैं ओरिजिन है ओ। तो हम देखिए करेंगे क्या, पहले 2 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे, ये हमारा 2 सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा, नाम दे देते हैं। अब हम इस पर बनाएंगे 90 डिग्री, 90 हमारा हो गया ये। अब हम इस पर 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 से कहाँ 5, ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर का। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, हमने इसको नाम दे दिया बी। तो देखिए अब आप पढ़े हैं कि ये ओ से ए कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए से बी कितना है 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1, ओ बी का स्क्वायर इतना आएगा ना, ओ बी का स्क्वायर, यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5, यानी ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू अंडर रूट 5 हो जाएगा, यानी ओ से बी का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 5 है। तो आप यहाँ रखेंगे ऐसे, देखिए ये टच कर रहा है अब, यानी यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे टच किया, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा, पी मान लेते हैं, यही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? इसी तरह अगर आपको अंडर रूट 7 बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपको अंडर रूट 6 बनाना हो तो आप क्या करेंगे? अब देखिए अगर आपको अंडर रूट 6 बनाना है तो ये हमारा रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और 1 इस पर परपेंडिकुलर बनाना था, 5 कितना हो जाएगा 6, यानी हम करेंगे क्या, पहले यहाँ पे अब 90 बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 बनाएंगे, देखिए ये लाइन मिला लेते हैं, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, इन दोनों को मिलाते हुए 16 पे रख लेते हैं, और मिल गया है ना, तो 16 से 15 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम ओ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ से सी हो जाएगा, देखिए तो ओ सी ये हमारा 90 है, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ओ सी का स्क्वायर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू कितना है, ओ बी का, ये एक मिनट यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ये ओ बी है, ओ सी नहीं है, ठीक ना, ओ बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट थ्री उसका स्क्वायर और बी सी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी रूट थ्री। एक मिनट, सॉरी, ये सही था हमारा, यहाँ था ओ बी, यहाँ है हमारा ओ बी, यानी कि देखिए ओ बी की वैल्यू कितना 5 है, तो 5 + 1 यानी कितना हो जाएगा 6, यानी ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 6, तो ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, यानी ओ सी क्या है हमारा अंडर रूट 6 है। तो ओ से सी का डिस्टेंस देखिए, ओ सी अंडर रूट 6 है ना, यहाँ पे रखेंगे, देखिए एक पॉइंट एकदम इंड लाइन टच कर रहा है, ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ गया, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा क्यू, और यही क्या रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 6। अगर आपको अंडर रूट 7 बनाना तो देखिए रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम इसी पे फिर से 90 डिग्री बना लेते हैं, इस चीज़ पे हम फिर
फिर से 90 डिग्री बना लेते हैं। सीधा है ना, बिल्कुल लाइन पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ 90 आएगा, अब इस पर हम फिर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो देखिए 13 से 12 हो गया। अब यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, नाम दे देते हैं डी। देखिए ये 6 है, उसी की वैल्यू कितना, अंडरूट 6 है, तो अंडरूट 6 का स्क्वायर 6 और प्लस 1 7, यानी ये अंडरूट 7 होगा, होगा ना। तो अब हम करेंगे क्या, इसको मिला लेते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा पॉइंट देखिए यहाँ आया, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा आर, और यही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडररूट 7 आ जाएगा। आया स्टूडेंट समझ में? तो इस तरह से आप, हमने आपको बताया कैसे रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 का रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं रूट 8 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के आगे हम चले जाते हैं, इसी पे आगे तो हमारा रूट 8 भी बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यानी रूट 8 बनाना है तो फिर से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री इसी पे बनाएंगे। देखिए इसको हम मिलाते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही है, सही है ना, एकदम लाइन पे मैच कर रहा है। यहाँ आ जाएगा हमारा 90, हम 1 सेंटीमीटर इस पे बनाएंगे। इन दोनों को मिलाते हुए 8 से 7, ये देखिए मिल रहा है ना, लाइन में है बिल्कुल। अब हम O से इसको मिला लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका E, यानी ये देखिए ये कितना हमारा अंडरूट 7 है, अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 7 का स्क्वायर 7, 7 प्लस 1 8 है, यानी ये कितना होगा, अंडरूट 8 होगा, फार्मूला यूज करेंगे। तो अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको किया ऐसे 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 करके, यहाँ देखिए हमारा आ गया, ये पॉइंट हमको मिला, ये पॉइंट मिला, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा नंबर पे। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, यस नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। अब इसी तरह हम अंडर रूट 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम दूसरे नंबर लाइन पे आपको दिखाते हैं। वो जो है इस पे नहीं हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमको 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, इसलिए वहाँ से ईजी वे में हो जाएगा। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्स डैश, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ओ मान लेते हैं। अब यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर का लेंगे, 3 सेंटीमीटर नाम दे देते हैं ए। अब इस पे हम 90 डिग्री पहले बना लेते हैं, ये हमारा हो गया 90। अब देखिए इस पे हम 1 सेंटीमीटर बना लेते हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है ना। अब हमने बनाया सही है 10 से 1, ठीक। अब इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन, हमारा नाम दे देते हैं बी। तो देखिए ये 3 है, ये 1 है, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है, तो ओ बी इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 10, यानी ओ से बी का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 10 है। तो ओ बी को रेडियस ले लेते हैं और नंबर लाइन पे हम बता देते हैं पॉइंट कहाँ आएगा। ये हो गया हमारा, ऐसे इसको बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ आ करके मिल रहा है, मिल रहा है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये हम P, और इसी पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 10। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट, हमने आपको बताया कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो आगे के कुछ आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे आर्यश अग्रवाल का रिप्रेजेंट करना, कैसे हम 4.7 को, अंडर रूट 4.7 को रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 10.5 को, अंडर रूट 7.28 को, और कैसे विजुअलाइज करेंगे, इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।